हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स एम्पायर का आल क्विर्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आप सभी लोगों को बहुत सारी क्वाइंस मिल जाएगी। सबसे पहले आपको एक्स एम्पायर को ओपन कर लेना है, और जब आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर आना है सिटी के सेक्शंस में, और फिर इन्वेस्टमेंट्स में आना है। और जब आप इन्वेस्टमेंट्स में आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेटेस्ट में आया हुआ स्टॉक एक्सचेंज आपको पता चलेगा, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट में आया है। यहाँ पर आपको बताएंगे कि कौन कौन सा करेक्ट कार्ड इन्वेस्ट करना है, जिससे आपका प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। और किसी का भी हम लॉस नहीं कराएंगे, क्योंकि आपको कोई भी इसमें गलत तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि हम जिस तरह से बताएंगे आपको सेम उसी तरह से करना है। आपके साथ साथ हम भी यहाँ पर चलेंगे, हम भी कॉइन लेंगे, हम भी सारी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है, सारा टास्क कंप्लीट करने वाले हैं। एक तो ये हो गया है, उसके बाद आपको आना होगा पॉइंट्स पर। क्विर्स पर यहाँ पर आप देख सकते हो लेटेस्ट वीडियो आई है द हिडन पावर एंड आर्म ऑफ मोनोपोलीज एपिसोड 51 की, इसका कोड पता चलने वाला है आपको। उसके साथ ही साथ एक यूट्यूब वीडियो और है, इसका भी कोड पता चलेगा, जिससे कि आपको और पॉइंट्स मिलेगी। उसके साथ ही साथ लेटेस्ट में आया हुआ रिडल ऑफ द डे भी कवर हो जाएगा, और उसके साथ ही साथ एक रिबस ऑफ द डे ये भी आपका कवर हो जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी। उसके साथ ही साथ डेली रिवार्ड भी मिल जाएगा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, जिसके लिए आपको जाना है सिटी में, और सिटी में जाने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट्स में चले जाना है। और जब आप इन्वेस्टमेंट्स में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक एक्सचेंज मतलब करेक्ट कार्ड इन्वेस्ट करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर करेक्ट कार्ड बता दूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है मीडियम रिस्क में। अब मीडियम रिस्क में 6 कार्ड है, कौन सा कार्ड इन्वेस्ट करना है, आपको जो कार्ड इन्वेस्ट करना है जिससे कि आपका प्रॉफिट हो, लॉस ना हो, आपका रहेगा हैमस्टर ब्रीडिंग, आपको इसको फुल करना है। उसके बाद बी लकी पर क्लिक कर देना है, और जब आप बी लकी पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको इन्वेस्टेड अमाउंट कितने परसेंट में प्रॉफिट हुआ है, कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा दी जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है आई एम कोल इन्वेस्टर पर क्लिक कर लेना है, और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो बहुत ईजली ये कार्ड इन्वेस्ट हो जाएगा। और सेकेंड कार्ड जो आपका रहेगा वो भी आपका रहेगा मीडियम रिस्क में। और मीडियम रिस्क में दूसरा कौन सा कार्ड है, एक तो हो गया, अब आपका 5 बचा है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम डेवलपमेंट गोल्ड माइन टूल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स रियल इस्टेट इन नाइजीरिया। तो इसमें से जो कार्ड आपको अब इन्वेस्ट करना है वो आपको करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स, ध्यान से करना नहीं तो लॉस हो जाएगा। आपको इसको फुल कर देना है, फिर उसके बाद आपको बी लकी पर क्लिक कर देना है, और जब आप बी लकी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कार्ड भी आपका करेक्ट इन्वेस्ट हो चुका है। अब यहां पर आपको इन्वेस्टेड अमाउंट दिखा दिया गया है, 92% का प्रॉफिट मिला है, टोटल प्रॉफिट यहां पर आप देख सकते हो। उसके बाद आपको आई एम कोल इन्वेस्टर पर क्लिक करके वापस से बैक आ जाना है, और जब आप वापस से बैक आओगे तो 2 कार्ड आपका इन्वेस्ट हो चुका है, लास्ट कार्ड बचा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बाइनेंस की प्रोजेक्ट मतलब बाइनेंस प्रोजेक्ट की माइनिंग करना चाहते हो, तो हमने डायरेक्टली लिंक दिया है बाइनेंस प्रोजेक्ट की, जो कि बहुत ही अच्छा है। बाद में आप लोग पछताओगे क्यों हमने नहीं किया, क्योंकि बहुत ही अच्छा उसमें अर्निंग होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ सेकंड का गेम होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता है। बिना टाइम वेस्ट करे आपका काम हो जाएगा, मतलब टाइम पर एयर ड्रॉप मिल जाएगा, क्योंकि वो बाइनेंस का है, ठीक है। तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, हमने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। अब चलिए लास्ट कार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट कार्ड आपका जो रहेगा वो आपका होने वाला है हाई रिस्क में, और हाई रिस्क में 4 कार्ड है, स्पेस कंपनीज, यूनिकॉर्न ब्रीडिंग, ओनली फैंस मॉडल्स, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। तो आपको जो यहां पर कार्ड इन्वेस्ट करना है वो आपको इन्वेस्ट करना है स्पेस कंपनीज, आपको इसको फुल कर देना है, फिर उसके बाद आपको बी लकी पर क्लिक कर देना है, और ये कार्ड भी आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। फिर आपको आई एम कोल इन्वेस्टर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों ही कार्ड आपका इन्वेस्ट हो चुका है। अब चलिए हम चलते हैं आपको दूसरे टास्क की तरफ। स्टॉक एक्सचेंज आपका कवर हो गया है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। क्विर्स में आना है, और क्विर्स में आने के बाद आपको लेटेस्ट वीडियो में आ जाना है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट में आई है। वॉच यूट्यूब वीडियो पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको वॉच वीडियो पर क्लिक करना है, और वापस से बैक आ जाना है। और जब आप वापस से बैक आओगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे कोड इंटर करने के लिए, और यहाँ पर आपको वीडियो का टाइटल भी देख लेना है, द हिडन पावर एंड आर्म ऑफ मोनोपोलीज एपिसोड 51। तो आपको कोड पर आना है, और यहाँ पर इसका करेक्ट कोड इंटर करना है, इसका करेक्ट कोड होने वाला है 37, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 251,
37251, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर चेक कोड पर क्लिक करना है। और जब आप चेक कोड पर क्लिक करोगे तो बहुत ही इजीली आपको कॉइन्स मिल जाएगी, जिस तरह से हमको मिली है। अब यहाँ पर एक वीडियो और है, चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। वॉच यूट्यूब वीडियो पर आना है, आने के बाद आपको वॉच वीडियो पर क्लिक कर देना है और वापस से बैक आ जाना है। और जब आप वापस से बैक आओगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे कोड इंटर करने के लिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसका कोड क्या होने वाला है। यहाँ पर आपको कोड इंटर करना है 29711, ये इसका कोड है। फिर इसके बाद आप चेक कोड पर क्लिक कर सकते हो। और जब आप चेक कोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही इजीली कॉइन्स मिल जाएगी, जिस तरह से हमको मिली है। आपका यहाँ पर यूट्यूब वीडियो भी कवर हो गई है। अब चलिए हम चलते हैं रिडल ऑफ की तरफ, रिडल ऑफ द डे की तरफ, जो कि लेटेस्ट में आया हुआ है। आपको आना है रिडल ऑफ द डे पर, और इस पर आने के बाद आपको आ जाना है कोड पर, और यहाँ पर आपको डायरेक्टली कोड इंटर करना है जिससे कि कॉइन्स मिले। तो इसका जो कोड होने वाला है, यहाँ पर आपको इंटर करना है, लिखना है पूल, POOL, पूल लिखना है। फिर उसके बाद स्पेलिंग ठीक से देख लीजिए, फिर आपको चेक आंसर पर क्लिक कर देना है। और जब आप चेक आंसर पर क्लिक करोगे तो बहुत इजीली यहाँ पर आपको कॉइन्स मिल जाएगी, जिस तरह से हमको मिली है। तो आपको क्लेम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली क्लेम पर क्लिक कर लेना, आपको कॉइन्स मिल जाएगी। अब देखिए, आपका रिडल ऑफ द डे भी कवर हो चुका है, अब सिर्फ बचा है यहाँ पर रिबस ऑफ द डे। तो चलिए रिबस ऑफ द डे भी कवर कर लेते हैं। आपको आना है रिबस ऑफ द डे पर और कोड पर आना है, और यहाँ पर आपको करेक्ट कोड इंटर करना है जो कि हम बताने वाले हैं। इसका करेक्ट कोड होने वाला है वेल, यहाँ पर आपको लिखना है वेल, जिसकी स्पेलिंग है WHALE। वेल लिखने के बाद आपको चेक आंसर पर क्लिक कर देना है, और जब आप चेक आंसर पर क्लिक करोगे तो क्लेम का ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लेम पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ से भी आपको कॉइन्स इजिली मिल जाएगी। अब देखिए, आपका सारी चीज़ें कवर होगी, सिर्फ बचा है डेली रिवार्ड, और डेली रिवार्ड में कुछ भी करना नहीं होता। डेली रिवार्ड में सिर्फ और सिर्फ क्लेम पर क्लिक करना होता है, और यहाँ से आपसे मतलब कि आपको डे के हिसाब से कॉइन्स मिलती है। अगर आप फर्स्ट डे पे होगे तो आपको कम मिलेगी, सेकेंड डे पे ज़्यादा, थर्ड डे पे और ज़्यादा, फोर्थ डे पे और ज़्यादा, फिफ्थ डे पे देखिए 1 मिलियन पहुँच गई, बिलियन तक पहुँच जाती है। और जब आपका लेवल ज़्यादा होता है तो फर्स्ट डे से ही आपको बिलियन कॉइन्स मिल जाती है। तो चलिए, हम यहाँ पर फर्स्ट डे की मिल रही है तो हम क्लेम रिवार्ड पर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कॉइन्स ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो डेली रिवार्ड भी कवर हो गया है, और यूट्यूब वीडियो दोनों ही कवर हो चुकी है, जिसमें से एक बिल्कुल लेटेस्ट की थी, और यहाँ पर रिडल ऑफ द डे और रिबस ऑफ द डे भी कवर हो गया है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कि इन्वेस्टमेंट्स में है, वो है स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर आप देख सकते हो दो कार्ड आपका यहाँ पर रहेगा मीडियम रिस्क में, जिसका नाम है हैमस्टर ब्रीडिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स, और एक यहाँ पर होने वाला है स्पेस कंपनीज, ठीक है, जो कि हाई रिस्क में रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख गए होंगे किस तरह से आपको ऑल क्विट्स कंप्लीट करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। आप लोग इसलिए हम इस तरह से बता रहे हैं ताकि आप लोग कोई भी गलती ना करो। बाकी अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। आप जहां भी हो, मेरा खुश रहने की कोशिश करो। ऑलवेज बी हैप्पी।